सिर्फ 8 सेकंड और तड़तड़ाकर ब्लास्ट के साथ दो गगनचुंबी इमारतें भरभराकर पल भर में ही मलबे के ऊंचे ढेर में तब्दील हो गईं। आलम ऐसा था कि जोरदार धमाकों से जहां नोएडा सेक्टर 93 दलक उठा, तो इन धमाकों से उठते धूल और धुएं के मोटे गुबार से आसपास का पूरा इलाका पट गया। 200 करोड़ की लागत से तैयार सुपरटेक कंस्ट्रक्शंस की दोनों इमारतों को गिराने में कुल 20 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो हैरत भरी निगाहों से बस देखता ही रह गया। ऐसे में इसे लेकर एक साथ कई सारे सवाल लोगों के मन में कौंध उठे हैं, जैसे इन ऊंची इमारतों का मालिक कौन था और ऐसा क्या हुआ कि आखिर उन टावर्स को बम विस्फोटों से उड़ाने की नौबत आ गई। दरअसल इन ट्विन टावर्स का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है सुपरटेक कंस्ट्रक्शन। और इसके मालिक हैं आरके अरोड़ा। ये इस सेक्टर के इतने बड़े किंग हैं कि इनके पास कुल 34 कंपनियां हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन के अलावा ब्रोकिंग, प्रिंटिंग, सिविल एविएशन, फिल्म्स, कंसल्टेंसी और हाउसिंग फाइनेंस तक के काम होते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो यहां तक दावा है कि आरके अरोड़ा ने कब्रगाह बनाने तक की एक कंपनी खोल रखी है। इससे इनके कारोबार के विस्तार और इसके फैलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तमाम कंपनियों से आरके अरोड़ा को अरबों रुपए की कमाई होती है। अब आपको बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन के कारोबार में इन्होंने कदम कब रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरके अरोड़ा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर साल 1995 में इस कंपनी की आधारशिला रखी थी। कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र, मेरठ, दिल्ली, NCR समेत देश भर के कुल 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। देखते ही देखते अरोड़ा ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया। इसके बाद अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां खोली जो अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। आरके अरोड़ा ने सुपरटेक लिमिटेड कंपनी खोलने के तकरीबन 4 साल के बाद इसी से मिलते जुलते एक और नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी का नाम था सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा के नाम से खोला गया था। अपने कारोबार को और विस्तार देने के लिए उन्होंने अपने बेटे को भी मैदान में उतारा। बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर आरके अरोड़ा ने बिलिंग सेक्टर, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा काम शुरू किया। आरके अरोड़ा उस वक्त चर्चाओं में आए जब साल 2009 में उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने नोएडा सेक्टर 93 में ट्विन टावर्स का निर्माण आगे बढ़ाया। इसके विरोध में हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने RWA बनाया, जिसके बाद दोनों टावर्स का विरोध शुरू हुआ क्योंकि उनकी सोसाइटी के ठीक सामने, जिसे नोएडा अथॉरिटी ने पहले ग्रीन बेल्ट बताया था, वहां 2 विशालकाय टावर खड़े हो रहे थे। ये पहले नोएडा अथॉरिटी पहुंचे जहां इनकी सुनवाई नहीं हुई। साल 2012 में एमराल्ड कोर्ट RWA ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 1.5 साल तक इस मामले की सुनवाई चली और 2014 में इसे अवैध मानते हुए इसे गिराने के आदेश दे दिए गए। इसे बचाने के लिए साल 2021 में सुपरटेक कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां भी हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए 31 अगस्त 2021 को फैसला सुनाया गया। इन दोनों इमारतों को पिछले ही साल गिराया जाना था, लेकिन व्यवस्था पूरी ना होने की वजह से इसे ढाए जाने का समय आगे बढ़ा दिया गया। अब आखिरकार ये दोनों गगनचुंबी इमारतें विस्फोटों के जोरदार धमाकों के साथ मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।